हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक कंप्लीट अनबॉक्सिंग जो रहने वाली है एक एक्शन कैमरी की। ये दोस्तों मैं बता दूँ, ये कैमपार्क का ब्रांड है एंड इसका मॉडल जो है वो एक्सट्रीम वन प्लस UHD 4K करके है और इसका प्राइस मेरे को पड़ा है, ये 2020 वर्जन अपडेटेड वर्जन है इसका, अमेजोन से बाय किया है ये मेरे को 6999 का पड़ा हुआ है। अभी मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या SSD माउंटिंग वगैरह आपको मिलती हैं और साथ ही मैं इसके फीचर्स को भी एक्सप्लेन कर दूँगा कि। तो वीडियो शुरू करते हैं, इसे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, पैकिंग काफ़ी ठीक ठाक इन लोगों ने करके भेजी है इसकी। और दोस्तों मैं बता दूं, ये मैंने बाय इसलिए करा है क्योंकि इस रेंज में और भी SJKM के भी थे और कई सारे ब्रांड थे, एपमैन का था एक और भी कई सारे ब्रांड्स थे, तो मेरे को ये इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी लगी उस पर। और इसमें बैटरी भी आपको एडिशनल 2 बैटरी मिल जाती है इसके साथ में, और जो इस कंपेरिजन इसके रेंज में आ रहे थे उसमें एक ही बैटरी मिलती थी और बाकी रिमोट सेंसर भी इसके साथ एक डिवाइस दे रखी है जिससे आप उसको मतलब रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हो उसको। तो जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग। और साथ में दोस्तों बता दूं, इसके साथ 32GB का एक एडिशनल मेमोरी कार्ड इसके साथ मिला है मुझे। और ये दोस्तों हो गया इसका इनवॉइस एंड अगेन मैं ये आप बॉक्स देख लीजिए दोस्तों, वेट काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है इसको। और जल्दी से इसको भी खोल के देख लेते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। और सबसे पहले दोस्तों मैं इसका बॉक्स का ओवरव्यू आपको दिखा दूँ। दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर UHD 4K एक्शन कैमरा कैंपार्क करके दिया गया है, टॉप पे भी कैंपार्क की ब्रांडिंग है। ये ACT74 इसका मेरे को लग रहा है मॉडल नंबर दे रखा है। यहाँ कुछ इन्होंने डिटेलिंग दे रखी, माइक इनबिल्ट आपको मिल जाता है। और अभी मैं इसको अनबॉक्स करके और दिखाऊंगा कि इसमें एडिशनल माइक आप कनेक्ट कर सकते हो नहीं, अलग से आप अगर माइक कनेक्ट करना चाहो तो। और 30 मीटर आपको वाटर में आपको अंदर आप इसमें वीडियो बना सकते हो इसका कवर में लगा के। एंड वाईफाई इसमें आपको मिल जाता है, 170 डिग्री का आपको वाइड एंगल आपको मिल जाता है इसमें। तो ये तो इसमें 40 मीटर इसमें दे रखा है लेकिन 30 मीटर आप इसमें बताया गया है, तो मेरे को रेंज लग रही है इसकी सही। इस साइड में आपको दिखा दूँ इसमें क्या क्या इस साइड दे रखा है बॉक्स पे। यहाँ भी वही चीज़ें बता रखी हैं, 4K UHD तक आप वीडियो इसमें सपोर्ट कर सकते हो। 20 मेगापिक्सल इसका कैमरा मिल जाता है जो मेन सेंसर इसका है, और वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाती है, वाइड एंगल लेंस मिल जाते हैं इसमें। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें 2 बैटरी आपको मिल जाती हैं जिसकी MAH कैपेसिटी मैं आपको ओपन करने के बाद दिखाने वाला हूँ। तो ये सबसे अच्छा मुझे एक पॉइंट मिला इसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्शन कैमरा जो होते हैं उनकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम होती है तो चार्जिंग में आपको इश्यू होने वाले होते हैं। तो जल्दी से इसको निकालने वाला हूँ मैं इससे बाहर। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अनबॉक्स करके रखी है, इसके साथ छोटी सी बिल्कुल छोटी सी ये बैटरी इसमें दे रखी है। इसकी कैपेसिटी मैं आपको बता दूँ, ये 3.7 वोल्ट 1000 mAh का है, 1050 mAh का है। तो ये इसकी बैटरी कैपेसिटी होगी, ये मेन यूनिट हो गई, इसके साथ एक एसएसडी लग के आई हुई है। और जो इसकी डिस्प्ले का साइज़ है वो 2.2 इंच है। तो अभी इसके साथ और देखने वाले हैं क्या क्या इसके अंदर मिलता है। दोस्तों मैं बता दूं, इसके साथ ये क्लास 10 का माइक्रो SD कार्ड सैंडिस्क का मिला हुआ है, तो स्पीड काफ़ी अच्छी रहने वाली है, अगर ट्रांसफर रेट इसका काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ये एडिशनल बॉक्स रखा है यहाँ पे, एक मैं आपको और दिखा दूँ इसमें, ये इन्होंने एक ग्रीटिंग कार्ड टाइप का दे रखा है ये जो ऑनर ने दिया है माई नेम डेविड करके। और अगेन अगले उस पर चलते हैं, तो यहाँ पर एक मैनुअल मोटा सा काफ़ी मोटी सी बुक इसमें दे रखी है, ये देखिए दोस्तों। ये फ्रेंड्स, मैंने इसको यूनिट को उसके जो केस में था उससे बाहर निकाल लिया इसको फ्रेंड्स, और अभी मैं इसमें लगा दिया मैंने बैटरी। तो दोस्तों बैटरी बैकअप इसमें ऑन पेपर तो इसमें बता रखे हैं कि इसका बैकअप जो रहने वाला है वो करीब 90 मिनट रहने वाला है, तो ऑलमोस्ट जो 2 बैटरी रहेंगी आपको 3 घंटे का आपको बैकअप दे देंगी, बाकी यूज करने के बाद इसका एक्चुअल बैकअप पता पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों मैं साइड में दिखा दूँ, यहाँ आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है, डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक आपका कनेक्शन मिल जाता है, यहाँ माइक लगाने के लिए एक पोर्ट दे रखा है और बाकी नीचे आप SD कार्ड लगाने के लिए इसमें पोर्ट दे रखा है। तो ठीक है, जल्दी से इसे ऑन करते हैं। आगे ये पावर ऑन ऑफ का की दे रखा है, ऊपर कैप्चर करने का की दे रखा है, एक यहाँ लाइट भी दे रखी है। तो जल्दी से इसको ऑन कर लें फ्रेंड्स, तब मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी छोटा सा है फ्रेंड्स ये, ठीक है, इसको ऑन कर दिया मैंने अभी। ओके, एक मिनट, आपको मैं ऑटो फोकस कर दूँ। इसमें 3-4 ऑप्शन आपको डिस्प्ले देखने मिल जाते हैं, यहाँ 4K 30 FPS पर भी वीडियो चल रहा है, नीचे टाइमिंग चल रही है कुछ दे रखा है इन्होंने, हाँ ये टाइमिंग इसकी चल रही है, ऊपर बैटरी का आ रहा है और वाईफाई का सिंबल आ रहा है। तो दोस्तों और साइड में कुछ चीज़ भी इसमें दे रखी थी फ्रेंड्स ये, तो अभी मैं इसको यूज करता हूँ, फिर मैं पूरा कंप्लीट इसमें रखने वाला हूँ, इसमें क्या क्या मेरे को अभी सही लगा क्या क्या बुरा लगा।
तो अगली वीडियो में वो कवर कर दूंगा फ्रेंड। और बाकी ऐसे तो भाई मैंने इसको कंप्लीट मैंने अनबॉक्स करके रख लिया है। यहाँ मैन यूनिट होगी, दो बैटरी हो गई, ये इसका रिमोट हो गया। रिमोट में दोस्तों मैं बता दूं इसमें सेल इसके इनबिल्ट है। अगर आप कोई भी कैप प्रेस करते हो तो ये रेड एंड ब्लू का लाइट इसमें दिखता है, इट मीन्स इसमें सेल अवेलेबल है, इनबिल्ट हो रखी है। और पता नहीं इसका बैकअप कितना रहने वाला वो मुझे बाद में पता पड़ेगा। ये इसका स्ट्रैप हो गया, ये USB का माइक्रो USB दोस्तों है। ये चार्जिंग के लिए मेरे को लग रहा है इसमें यूज होगी, लग क्या रहा है एक्चुअली वही यूज होगी। ये इसमें कुछ और एडिशनल अटैचमेंट है जो रिमोट को, ये जो इसका मैं बताया ना उसको कनेक्ट करने के लिए। यहाँ एक क्लॉथ दे रखा माइक्रोफाइबर, ये 3M का कुछ टेप दे रखे हैं। बाकी ये सब और एक्सेसरीज हैं इसमें कुछ, ये टाइज वगैरह भी दे रखी हैं। और ये कुछ मैं दिखा दूँ इसमें, ये स्ट्रैप कुछ दे रखे हैं, ये मेरे को लग रहा होल्ड करने के लिए है। तो दोस्तों काफ़ी सारी एक्सेसरीज इसके साथ अवेलेबल। और सबसे बड़ी बात मेरे को सबसे अच्छी बात लगी है ये माइक, एडिशनल माइक। ये माइक इसमें इनबिल्ट नहीं है, आप अलग से लगा सकते हो, इट मीन्स आप कोई दूसरा माइक भी मेरे को लग रहा है इसमें नहीं कनेक्ट कर सकते, क्योंकि ये 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है। अगर ये होता तो मोस्टली मेरे को लगता है एडिशनल माइक जो आते हैं वो 3.5 mm उस पर आते हैं। तो ये मेरे को लग रहा है इसमें यूज होगा, एडिशनल आप नहीं लगा सकते हो। जो मैं इससे पहले यूज करता हूँ, मेरे पास एक बोया का रखा हुआ है। तो ये कंप्लीट हो गई इसकी एसेसरीज। और स्पेसिफिक है तो मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों, 20 MP कैमरा है इसका। आपको 40 मीटर बॉक्स पे दे रखा है, लेकिन 30 मीटर रिकमेंड करते हैं कि 30 मीटर पे आप यूज कर सकते हो। इसके साथ 32 GB का मेमोरी कार्ड मिल जाता है, अच्छी चीज़ ये है। आपको रिमोट सेंसर आपको मिल जाता है, दो बैटरी मिल जाती हैं और माइक भी अलग से मिल जाता है। तो ये और चीज़ों से अलग अच्छा है और रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मैंने इसको बाय करा। अभी अगले वीडियो मैं करूँगा इसका कंप्लीट, अभी मैं यूज करूँगा इसकी फोटोज़ वगैरह कुछ निकालूंगा, वीडियोज़ बना के दिखाऊंगा 720p, 480p, 720p, 1080p और 4K पे, सभी पे आपको 60 और बना के दिखाऊंगा। स्लो मोशन वीडियो को भी सपोर्ट करता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा, मैं उसके लिए अगले वीडियो पर शिफ्ट करता हूं। तो वीडियो था यहीं तक दोस्तों, ऑलमोस्ट मैंने पॉइंट कवर कर दिए हैं दोस्तों। मैं अगर इसको आप बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको बाय कर सकते हो। और बाकी मैं यूज़ करता हूँ, देखता हूँ क्या इसका फीडबैक रहने वाला, तो ज़रूर अगले वीडियो में इसमें सभी मेरे और पॉइंट जो मैं यूज के बाद मेरा रिव्यू रहेगा वो मैं शेयर करूँगा आपसे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।